Hi guys, welcome to your channel Bernal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching how to save the text. So friends, let's start. Before I give you the introduction myself. सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं विकास कुमार बर्नवाल, मेरा नाम विकास कुमार बर्नवाल है. मैंने एम कॉम किया है और पिछले 10 साल से मैं एज ए ट्यूटर, प्राइवेट ट्यूटर, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ. तो आज मैं आपको टैक्स से जुड़ा हुआ यानी टैक्स का बचाव कैसे किया जाता है उससे तमाम तरह की जानकारियाँ देने जा रहा हूँ. तो आप सभी ध्यान से सुने. ये पहला क्लास मेरा है टैक्स से जुड़ा हुआ. इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास लिए हैं बट ऑनलाइन और यूट्यूब में मेरा ये पहला क्लास है टैक्स से जुड़ा हुआ, है ना. इससे पहले मैं करंट अफेयर्स जैसी क्लास बहुत सारे लेता हूँ बट मैं टैक्स से जुड़ा हुआ पहला क्लास लेने जा रहा हूँ. तो आप सभी इसको समझें और इसका लाभ उठा सकें. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो सबसे पहले कि हाउ टू डिडक्ट यानी कटौतियाँ क्या होती है, कटौतियों से हम कैसे अपना टैक्स को बचा सकते हैं, या कटौती या डिडक्शन जो है किस किस सेक्शन के तहत हम लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, या कटौती जो है ये कब लागू किया गया, ऐसे तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको देने जा रहा हूँ. तो आप सभी तैयार हो जाएं और ध्यान से मेरे वीडियो को सुने, समझें और लोगों को शेयर भी करें. ये दिस इज़ माय द रिक्वेस्ट. तो मैं बता दूं कि ये वित्त अधिनियम 2007 में इसको लागू किया गया, लेकिन ये टैक्स असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष 2008-2009 से ये प्रभावी किया गया है. यानी सेक्शन 80C to 80U तक जो भी सेक्शंस हैं उसमें आते हैं, उसमें उसके अंतर्गत सभी को कटौतियाँ मिलती है, चाहे वो 80C हो, 80CCC हो, 80CCD हो, 80D हो, 80DD हो, यानी जितने तरह के तमाम तरह के जितने भी हैं. करीब करीब आपको देखा जाए तो लगभग 26 तरह की कटौतियाँ या सेक्शंस आपको इसमें मिलते हैं. इससे आपको क्या होगा, आप टैक्सेबल इनकम जो भी आपके हैं उससे पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम में आपको घटा करके आपका टैक्सेबल इनकम को दिखाना है ताकि आपका टैक्स को बचाया जा सके, आप टैक्स सेव कर सके. तो आगे जानते हैं क्या है सकल कुल आय या कटौतियों का सामान्य नियम, यानी आप बोल सकते हो बेसिक रूल्स ऑफ डिडक्शन. तो कटौतियां करदाता द्वारा मांगी जानी चाहिए, यानी कि जो भी टैक्स पेयर हैं उनके द्वारा ये डिडक्शन की डिमांड होनी चाहिए, तभी उनको मिल सकता है या वो उसके हकदार हो सकते हैं. यदि नहीं मांगते हैं तो उनको गवर्नमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देती है, सिक्योरिटी नहीं देती है. नेक्स्ट है कटौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करना करदाता का कर्तव्य, यानी इट इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू शो योर या प्रेजेंट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, है ना. नेक्स्ट है कटौतियां कर योग आय की गणना से पूर्व घटाई जाती है, यानी टैक्सेबल इनकम से पहले ही, यानी टोटल ग्रॉस इनकम में घटाई जाती है. और कटौतियों की रकम सकल कुल आय में से अधिक नहीं हो सकती है. तो ये चार प्रमुख जो हैं ये बेसिक रूल्स ऑफ डिडक्शन के हैं. आगे देखते हैं फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ डिडक्शंस, यानी कौन कौन से सेक्शन के तहत जो है आपको कटौतियाँ यानी आप टैक्स का बचाव कर सकते हो, सेव कर सकते हो. सबसे पहले 80C से 80U तक मैंने बताया. तो 80C में कौन कौन सी है या 80U तक कौन कौन सी डिडक्शन है यानी कौन कौन सी सेक्शंस हैं, सॉरी. तो 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCG, 80D, 80DDD, 80DDB, 80E, 80G, 80GG, 80GGA, यानी GGGGA. ये सब सवाल जो है UGC नेट में 17 तारीख को कॉमर्स का जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट सेकंड सिटिंग में पूछा गया था. 80GG, 80GGA इस तरह का सवाल इसमें पूछे गए थे, मैचिंग था. 80GGB, 80GGC, 80IA, 80IB, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE, 80JJJ, 80JJA, 80LA, 80PA, 80QQB, 80TTA, 80U. यानी ये लगभग 26 डिडक्शंस हैं, सॉरी सेक्शंस हैं, जिनमें करदाता को इस तरह का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जानकारियां होनी चाहिए कि कौन कौन सा डिडक्शन के तहत आप इसमें कटौतियां प्राप्त कर सकते हो, अपना टैक्स को सेव कर सकते हो. तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा शीर्षक से जुड़ा हुआ जो 5 शीर्षक होते हैं, आय के सभी शीर्षक, है ना. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, इस तरह के जो 5 शीर्षक जो होते हैं उसका टोटल
कैलकुलेट करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आता है, उसमें आपका डिडक्शन घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम आते हैं। तो देखते हैं आगे कटौतियाँ घटाने का क्या है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउिंग डिडक्शंस, यानी क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के आधार पर आप इसकी को घटाते हो, इसका आप लाभ उठाते हो। तो सबसे पहले शुद्ध कर योग्य आय की गणना करना, यानी कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम, यानी नेट टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए आपको इस तरह का कटौतियों का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा फाइनेंस एक्ट 2007 के तहत मिला है और 2008-2009 से प्रभावी प्रदेश में हुआ है, अभी भी चल रही है। तो ये जरूरी है कि आप टैक्सेबल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हो तो उससे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकाल करके उसमें आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। बचत या औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना, समर्थता बीमारी का आर्थिक सहायता, दान की भावना प्रोत्साहन, कर दायित्व में कमी लाना, कर नियोजन के प्रयोजनों को पूर्ति करना। तो ये कुछ लगभग 7 जो हैं उद्देश्य हैं जो अलाव करते हैं क्या कटौतियों को घटाने का। तो आगे देखते हैं क्या है, सबसे पहला कटौती है 80C। इस धारा के तहत करदाता अपनी कुल कर आय को 1.5 लाख रुपये तक घटा सकता है। इस धारा की कटौती का लाभ कई तरह से निवेश कर के लिया जा सकता है। इसे प्रमुख रूप से आप अपने नाम से EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, होम लोन के मूलधन का भुगतान, नए मकान की खरीद पर चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग FD बॉन्ड आते हैं। इसके अतिरिक्त अपने स्वयं या जीवन साथी के या बच्चों के नाम से जो जीवन प्रीमियम लिए हैं, अपने लाइफ इंश्योरेंस जो करवाया है, PF या ULIP में निवेश करने पर भी इस धारा में कटौती मिलती है। अधिकतम 2 बच्चों की स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस का भुगतान करने पर भी इस धारा की कटौती ली जाती है। तो आप लोगों ने जाना कि 80C के तहत किन किन लोगों को या कौन कौन से जो नीडी हैं पर्सन हैं उनको इस तरह का सुविधा मिल सकती है। तो जो लोग इन क्षेत्रों में EPF में, होम लोन में, म्यूचुअल फंड्स में, टैक्स सेविंग FD में, सुकन्या समृद्धि योजना में जो आप निवेश किए हुए हैं उसके तहत 1.5 लाख रुपये तक इसमें डिडक्शन किया जाता है, यानी घटाया जाता है। चाहे वो इसमें जो SSC होते हैं वो व्यक्ति हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, इसमें कोई भी दोनों में से कोई भी इसका लाभ उठा सकता है, यानी ये इसकी पात्रता है, ये इसको पाने का अधिकारी है। तो भारत सरकार के द्वारा इस तरह का छूट दिया गया है टैक्स में, तो बहुत ही अच्छी बात है, होनी भी चाहिए इस तरह का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से इस अन्य क्षेत्र में अपना निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको लगती है कि नहीं हमको सुरक्षा भावना या कुछ कटौतियाँ मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बचाव कर सके, टैक्स को अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा कर सके, अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ा सके। एक तरह से देखा जाए तो डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूट कर सके। तो 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का आपको छूट दी जाती है कटौती में, यानी डिडक्शन 18C जो सेक्शन है इसके तहत दी जाती है। इसमें जो कर कटौती पाने का जो अधिकारी है, पात्रता जो है वो व्यक्ति या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो उनको मिलता है, यानी एक व्यक्ति चाहे वो फर्म हो या कोई संस्था हो या कोई व्यक्तिगत हो या महिला हो, कोई भी हो, एनी काइंड ऑफ पर्सन, उनको दी जा सकती है। नेक्स्ट है 80CCD 1B। 80CCD 1B के तहत, इस धारा के तहत नेशनल पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती मिलती है। इसके साथ ही 80C और 80CCD 1B मिलाकर अधिकतम 2 लाख रुपये की कटौती मिल सकती है। तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सुना कि 80C और 80CCD 1B के तहत लगभग 2 लाख रुपये आपको कटौती मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करने पर इन टोटल सेक्टर्स में, जो जो सेक्टर्स आपको बताया गया है, यानी 80C के तहत 1.5 लाख रुपया और 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपया तक आपको कटौती मिल सकती है। तो ये कटौती कब मिलेगी, आप जब नेट टैक्सेबल इनकम निकालोगे तो उसमें आपको इसको डिडक्ट करके दिखा करके आपको दिखाना है, ग्रॉस टोटल इनकम में घटा करके नेट टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद ये आपको मिल सकता है फ़ायदा। इस तरह से आप अपना लाइफ में अपना सिक्योर अपने लाइफ को कर सकते हो, इस तरह से टैक्स का बचाव कर सकते हो,
क्योंकि बहुत जरूरी है टैक्स का बचाव भी करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ आपको टैक्स भुगतान नहीं करना है, जो जेन्युइनली जो भी आपकी टैक्स जो बनती है एक्चुअल टैक्स वो आपको भुगतान करना है, बट भुगतान करने के साथ साथ आपको कुछ बचाव भी करनी है ताकि आप अपना लाइफ को सिक्योर कर सको, अपने फैमिली को, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सको, है ना। आफ्टर द रिटायरमेंट आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्टीज से गुजरती है। उसी को देखते हुए आपको अपना टैक्स सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो 80CC D1B के तहत आपको 50,000 रुपये की कटौती मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ATD यानी चिकित्सा बीमा प्रीमियम, यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल बीमा प्रीमियम आप बोल सकते हो। इस धारा के तहत स्वयं या जीवन साथी या आश्रित बच्चों के लिए, यानी जो भी आपके बच्चे हैं या सेल्फ या जो आपका कपल है, जो आपका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, उसके लिए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25,000 तक की कटौती। माता पिता के लिए चुकाए गए मेडिकल प्रीमियम बीमा के लिए अधिकतम 25,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है ना। इसके तहत जो प्रीमियम का रकम होता है, चाहे 25,000 रुपया दोनों के क्रम में वरिष्ठ नागरिक की दशा में भी 30,000 रुपया था, किंतु स्वास्थ्य के निवारक रोकथाम और जांच पड़ताल हेतु व्ययों के लिए अधिकतम 5,000 शामिल इसमें किया गया। यानी आपको करीब करीब 25,000 रुपये तक की आपको कटौती मिलेगी। यदि माता पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो कटौती 25,000 से बढ़कर अधिकतम 50,000 हो जाती है। यानी आपका सीनियर सिटीजन से मोस्ट सीनियर सिटीजन में आप आते हो या आपकी मदर या पेरेंट्स आते हैं तो आपको 25,000 की जगह पर 50,000 तक की कटौती मिलेगी। यानी आप टैक्स को सेव कर सकते हो, 50,000 रुपया तक के जो टैक्स बनते हैं उसको। कटौती तभी मिलती है जब प्रीमियम का भुगतान नगद ना किया हो। इस धारा के उपरोक्त लिमिट को ध्यान में रखते हुए 5,000 रुपये तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कटौती मिलती है। तो मैंने पहले बता दिया कि एक तरह का ये जो जांच पड़ताल हेतु जो भी व्यय किए जाते हैं उसमें भी अधिकतम 5,000 तक की कटौती दी जाती है। तो इस तरह से आपको 25,000 रुपया का और अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी सेक्शन 80D के तहत ये आपको डिडक्शन मिलेगा, जिससे आप इससे आप टैक्स देने से बच सकते हो और इसको आप टैक्स सेव कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 18 ATDD, यानी ये जो भी हैंडीकैप्ड होते हैं उनको जो भी उपचार से संबंधित या देखभाल संबंधित जो भी खर्च होते हैं, देखिए इसके बारे में बता दूँ मैं। यदि किसी करदाता पर कोई दिव्यांग आश्रित है ना, यानी हैंडीकैप्ड, चाहे वो आँख से हो, पैर से हो, जिस तरह से हो, हैंडीकैप्ड होना चाहिए, इसमें जीवन साथी, बच्चे, माता पिता या भाई बहन शामिल हैं हो, तो उनके इलाज और पालन पोषण पर हुए खर्च पर 75,000 रुपया एवं गंभीर विकलांगता होने पर 1,25,000 तक की कटौती का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी 75,000 जो है गंभीर असमर्थता की दशा में, यानी ठीक है, ज़्यादा आपकी स्थिति खराब है तो उस दशा में आपको 1,25,000 और जनरली उनके इलाज या पालन पोषण में 75,000 रुपया तक की कटौती का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसके तहत आपका सेव बचा सकते हो, यानी टैक्स बच सकती है आपकी। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बच्चा है, आपका पेरेंट्स हैं या आपके जो भी ब्रदर सिस्टर हैं, उन सभी इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं, यानी वो लाभुक बन सकते हैं और उनको सरकार के द्वारा इस तरह की सुविधा प्रदान की जा सकती जाएगी, मतलब जा रही है, सॉरी। तो 80DD, 80CC, 80C पढ़ा हम लोगों ने, 80CC D1B पढ़ा हम लोगों ने, 80D पढ़ा, 80DD पढ़ा। इस तरह से लगातार करीब करीब 7 से 8 में बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है ये सभी, खास जो 26 जो सेक्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, टोटल जो 26 सेक्शंस हैं, उसके साथ जो भी आपको कटौतियाँ मिलती है उनमें से कुछ खास कटौतियों को लेकर मैं आया हूँ। तो इस अभी तक हम लोगों ने 4 कटौतियों के बारे में जाना विस्तार से। यानी पहला जो सबसे प्रथम था उसमें 1,50,000, उसका 50,000, उसका 25,000 और इसमें करीब करीब 75,000 आपको 75,000 रुपया तक कटौती आपको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 80DDB, 80DDB यानी ये करीब करीब देखा जाए तो ये 7 नंबर में इस सेक्शन से, सेक्शन नंबर 7 में है। इस धारा में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, यानी जो भी खतरनाक या
सीरियस जो प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं के इलाज पर किए गए व्यय यानी खर्च पर 40,000 तक की कटौती का प्रावधान है। यदि खर्च वरिष्ठ नागरिक के इलाज के लिए हो तो कटौती का प्रावधान 1,00,000 तक हो जाती है। तो इसे वरिष्ठ नागरिक की दशा में, मतलब इससे पहले जो है ये भारत सरकार द्वारा पहले 60,000 रुपया थी वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के संबंध में 60,000 थी, किंतु अब भारत सरकार ने 2017 के आसपास इसको 1,00,000 रुपया कर दिया है। इससे पहले 60,000 थी, किंतु जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, मतलब आम व्यक्ति, बुजुर्ग नहीं है, जो मोस्ट सीनियर सिटीजन नहीं है, उनको गंभीर बीमारियों में व्यय पर 40,000 तक का प्रावधान पहले भी था, अभी भी चल रहा है, किंतु इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मोस्ट सीनियर सिटीजन हैं, उन पर वृद्धि की गई है। खर्च की राशि 60,000 से 1,00,000 रुपया तक कर दी गई है ना। तो इसमें जो सॉरी SSC जो होंगे, यानी इसका जो इंटाइटल्ड होंगे टू द SSC इंटाइटल्ड टू द डिडक्शन, यानी करदाता जो कटौती पाने के अधिकारी होंगे, उसमें विकलांग सॉरी स्वयं और आश्रित रिश्तेदार चिकित्सीय उपचार पर हुए व्ययों के संबंध में कटौती दी जाएगी उनको। ये जो इसमें जो लोग होंगे वो निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित फैमिली, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये लोग इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। 80DDB सेक्शंस के तहत, यानी निवासी व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, जो भारत में रह रहा हो, भारत में जन्म लिया हो, है ना, उन लोगों को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से इस तरह का लाभ यानी इस तरह का कटौती प्रदान की जा रही है। तो आप इसमें शामिल है तो आपको भी इस तरह का सुविधाएं मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 80E। 80E यानी ये हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है ना। मैं पहले बता दूं कि ये हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं 80E के बारे में क्या है। इस धारा के अंतर्गत स्वयं, जीवन साथी या बच्चों के लिए उस शिक्षा के लिए कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का फायदा लिया जा सकता है। यानी आप इंटरेस्ट दे रहे हो उस पर आपको कटौती, जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो उस पर आपको कटौती का लाभ मिल सकता है। इस धारा में विदेश में उस शिक्षा के लिए कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर में भी कटौती मिलती है ना। यानी इसमें एक सिंगल व्यक्ति इस लाभ को उठा सकता है या इसको प्राप्त कर सकता है। यानी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है 80E। तो अभी जरूर याद रखें, क्योंकि इसमें अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे UGC नेट हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या जितने तरह का जॉब वैकेंसी निकलते हैं, या रेलवे सॉरी IBPS का जो भी एग्जाम है, इसमें भी अक्सर इस तरह का सवाल आप पूछने लगे हैं। तो 80E के तहत एक व्यक्ति जो उस शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज की कटौती प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही कर्ज पर, जो विदेश में जो कर्ज लिए हैं उस पर चुकाए गए ब्याज में भी कटौती उनको मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखें 80E के तहत। ये 8वां नंबर पे करीब करीब मेरे ख्याल से ये सेक्शन है, इसमें करीब करीब 26 सेक्शन में से 8वां नंबर में ये 80E सेक्शन है जो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो हायर एजुकेशन में आप विदेश में पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हो, आपके माता पिता ले रहे हैं, तो उसमें जो ब्याज है उसमें भी आपको कटौती मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप कि हाँ, ये सेक्शंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट्स भी तैयार कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं 80GGG, यानी ये एग्जाम में आया था हाल ही में, है ना। इसमें क्या आता है कि कुछ जानकारियां आपको मैं तो बता दूँ कि इस धारा के में किराए के घर यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो भी मतलब एक तरह का HRA जो बोला जाता है, मकान जो किराए पे जो लिया जाता है, उसके भुगतान में अधिकतम 60,000 रुपये कटौती का प्रावधान है। लेकिन आपको HRA नहीं मिलना चाहिए, यानी आपका हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिल रहा है, बट हाँ, आप घर पे रह रहे हो, भाड़े पे रह रहे हो, तो 60,000 रुपये तक की कटौती है। आप स्वयं का या यौन साथी या बच्चों का उस शहर में मकान नहीं होना चाहिए जहाँ आप नौकरी कर रहे हो, यानी जो भी आपको प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आपको है, और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हो या उस सिटी में आप सब जॉब कर रहे हो, तो आपकी फैमिली का और लाइफ पार्टनर का, बच्चों का वहाँ पे मकान नहीं होना चाहिए, तभी इस लाभ का आप वाकई में हकदार होंगे, अन्यथा आपको इस तरह का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें सही प्रकार के करदाताओं के लिए ये लागू किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है
सॉरी सही नहीं, एक वेतन भोगी करदाता जिसे एचआरए नहीं मिलता है तथा किराए के मकान में रहने वाले गैर वेतन भोगी करदाता हिंदू या हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार या व्यक्ति इस लाभ का फायदा उठा सकता है। सॉरी मैंने बता दिया कि सभी लाभ के ये 80G के तहत होता है, तो बाय मिस्टेक से ये निकल गया। तो 80G में भी सही प्रकार के करदाताओं के लिए ये लागू किया गया है। तो ये कुछ जो चुनिंदा जो कुछ का खा एग्जाम से जुड़ा हुआ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शंस है उसी को मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ सेक्शंस को भी डिस्कस विस्तार से करूँगा, तो आप नेक्स्ट क्लास में भी जुड़ना, या आपको वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में, आप जा करके या मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना तो आपको मिल जाएगा। तो ये 7 सेक्शंस जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, है ना, 80C, 80D, 80CCD, 80DD। ये करीब कुल 7 सेक्शन जो हैं 80C, 80D, 80DD, 80CCD, 80DDB, 80E और 80GG, ये काफ़ी 7 सेक्शन है जो आपको टैक्स को बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास साथ में फिर हाजिर होगा। तो थैंक यू, तब तक धन्यवाद।